नमस्कार, आप देख रहे बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नवादा में जिले के ऐतिहासिक खेल मैदान हरिश्चंद्र स्टेडियम में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 का आयोजन किया गया, जिसको सत्येंद्र प्रसाद जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी ने हरी झंडे दिखाकर रवाना किया। इसमें करीब 70 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। सभी सम्मिलित प्रतिभागी का मैराथन दौड़ शहर के मुख्य सड़कों से होकर वापस हरिश्चंद्र स्टेडियम में समाप्त हुआ। नेहरू युवा केंद्र, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम रखा गया, जो कि सभी जगह पे अभी नवादा में भ्रमण करके इसका संदेश दिया गया कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, यानी कि सुबह सुबह या शाम को, सुबह ही ज़्यादा अच्छा रहेगा जब हम योग करें, व्यायाम करें, और जब भारत का युवा स्वस्थ होगा तो भारत के विकास और आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। और ये नेहरू युवा केंद्र के सभी पूर्व और अभी वर्तमान में NYV हैं, इन सभी के द्वारा और सारे युवा इससे जुड़े हैं, क्योंकि बहुत बेहतर कार्यक्रम रहा आज का नेहरू युवा केंद्र नवादा के द्वारा। धन्यवाद। वही नवादा के कादिरगंज थाना के समाय डिबरी के किसानों ने यूरिया खाद नहीं मिलने के कारण समनहाले रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया और हंगामा किया, जिससे यातायात प्रभावित रहा। किसानों का कहना है कि उन्हें अभी तक खाद की आपूर्ति नहीं की गई है, जिसके कारण धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। खाद नहीं मिल रहा हम लोग के। कहां से आए? हम लोग समाय डिबरी से। अभी कहाँ आए थे खाद लेने? बिस्कोमान में। बिस्कोमान में हर जगह तो खाद पहुंच गया है। सहरसा स्टेडियम के पूर्व भाग में विगत कई वर्षों से बसे दर्जनों महादलित समुदाय के घरों और फुटपाथी दुकानदारों को बिना नोटिस दिए 24 घंटे के अंदर घर और दुकान हटाने को लेकर घोषणा के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है, जिसके बाद लोगों ने बड़ी संख्या में जिलाधिकारी के आवास का घेराव कर जमकर हंगामा किया। नगर पालिका के स्कूटी के द्वारा इन लोगों को हटाने के लिए कल अनाउंसमेंट किया गया था। इससे पूर्व भी आकर के लोग को मौखिक तौर पर भी कहा गया, जबकि कोई नोटिस वगैरह जो विधिवत होना चाहिए वह नहीं किया गया, और इन लोग पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था बिना सोचे हुए इनको उजाड़ कर बेघर करना चाहता है। और अभी जो है बाढ़ और बारिश का मौसम है, ये कहाँ जाएंगे इससे संबंधित हम लोग जिला कलेक्टर से मिलने का काम किए। सारे लोग परिवार बाल बच्चा सहित गए और वहाँ SDO साहब को बुलाया गया, तो SQT साहब को बुलाए, CO साहब को बुलाए, कहा इन लोगों का बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए इनको उजाड़ा नहीं जाए। इसी बात के लेकर के 2 महीना का हम लोग को उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय जनगणना को लेकर बयान दिया है और कहा है कि अगर जातीय जनगणना नहीं होती है तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार से हम लोगों ने सकारात्मक उम्मीद जताई है। जनरल सेंसस के साथ देश भर में जाति गिनती हो, अब भारत सरकार भी OBC के लिए, सोसाइटी के दूसरे सेक्टर के लिए जो उपेक्षित वर्ग के लोग हैं योजना बनाती है, भारत सरकार भी रिजर्वेशन देती है। अब कोई स्टेट गवर्नमेंट गिनती करा भी ले तो भारत सरकार में शेयर कैसे मिल पाएगा, वहाँ इन आंकड़ों का क्या लाभ हो पाएगा। तो मुकम्मल तौर पर जब तक देश के स्तर पर जात की गिनती नहीं होगी तब तक लाभ जितना मिलना चाहिए नहीं मिलेगा, और नुकसान तो रोज हो रहा है। इस नुकसान को रोकने के लिए जरूरी है कि इस बार जात की गिनती होना ही चाहिए। और अब बात पटना के भिखना पहाड़ी स्थित कृष्णा कोचिंग सेंटर की, जहां कोचिंग के बच्चों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। मीडिया से बात करते हुए कोचिंग के संस्थापक राकेश रंजन ने बताया कि 250 बच्चों का मुफ्त में जांच किया गया। साथ ही उन्होंने अपने कोचिंग सेंटर के बारे में बताते हुए कहा कि उनके बैच में लड़कियों के लिए फी में 50% डिस्काउंट दिया गया है। कॉल ऑन का मतलब होता है मुलाकात करना। क्या है मुलाकात करना? मतलब व्यवहार कॉल्स फॉर योर कॉन्डक्ट, योर कॉन्डक्ट कॉल्स फॉर। मैं राकेश रंजन कृष्णा कोचिंग सेंटर का संचालक हूं। यहां भिखना पहाड़ी स्थित NDA, एयरफोर्स, नेवी इन तीनों का तैयारी करा रहे हैं। आगे हम
एसएसबी की भी तैयारी कराते हैं, जो एनडीए में एसएसबी पूछा जाता है। कप में हम सारे बच्चों को मेडिकल चेकअप करवाएंगे, आँख नाक कान दांत ये सारा चीज़ चेक होता है। हमारे यहाँ जो भी विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए एनडीए एयरफोर्स नेवी की तैयारी करने, उन सारे बच्चों का हम मेडिकल चेकअप करवाते हैं। जो लड़के मेडिकल अनफिट रहते हैं उनका हम एडमिशन नहीं लेते हैं, और जिनका कुछ कमजोरी रहता है चेकअप के माध्यम से हम उसको ठीक कराते हैं। आज 250 बच्चों का चेक होगा, प्रत्येक शनिवार को हम लोग रखे हुए हैं, ये पूरे महीना जारी रहेगा। प्रत्येक शनिवार को 250-250 लड़कों का किया जाएगा। 6 से 7 बार चेक होता है पूरे साल में, महीने 2 महीने पर एक बार चेकअप होती है। हाँ, ये सेवा पूर्णतः निःशुल्क है, कोई इसके लिए चार्ज नहीं लिया जाता है। फिजिकल हो या मेडिकल का जांच हो, उसके लिए कोई हम लोग एक भी रुपये चार्ज नहीं करते हैं। लड़कियों के लिए 2022-22 से एनडीए के लिए एग्जाम में बैठने के लिए जैसे स्वीकृति मिला है, उस तरह हम लोग नया बैच शुरू प्रारंभ किए हुए हैं। गर्ल्स के लिए 50% छूट पे हम लोग बैच शुरू कर दे रहे हैं। यहाँ क्लास भी शुरू हो गई, बच्चियाँ आने भी लगी हैं। नालंदा में 2 दिवसीय दौरे पर उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे, जहां जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का विकास यात्रा नालंदा पहुंचा है। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का जगह जगह कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह यात्रा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करने को लेकर किया जा रहा है। लेकिन अब कोई इधर उधर नहीं है, सारे लोग पूरी एकजुटता के साथ हैं। सिर्फ कुशवाहा समाज के लोग ही नहीं है, कुशवाहा समाज के अलावा अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित अल्पसंख्यक समाज के लोग और सामान्य जाति के भी न्याय पसंद लोग हैं। सब लोग पूरी एकजुटता के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है। यात्रा राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हमारे काफी उत्साहित भी हैं और सब वर्ग का और सब धर्म के लोगों को समर्थन मिल रही है। निश्चित रूप से जनता दल यो एक नंबर की पार्टी बनेगी। नालंदा में महज 2000 रुपए की खातिर एक महादलित की दबंगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र के रुखाई गांव की बताई जा रही है, जहां गांव के ही कुछ दबंगों ने लाठी और रॉड से पीट पीट कर महादलित की हत्या कर दी। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। राइफल छोड़ेगा तो कोई सर सटेगा। लेडीज हो जानी, देखिए सर चोनी फाड़ दिया है। सास बूढ़े माए था, उसको दो लाठी मार रही था। अच्छा। हम नहीं दड़न गए तो हम नहीं के नपड़ थप्पड़ करा। अच्छा। सर हमको देवर है तो खाना से तो जजे नहीं करेंगे सर। वही कारण घर से कॉल के नरेटिव पटक दे रोड पर ना देखना से अच्छा दे। अच्छा जी सर, जो मोड़ पर तक ना समझिए। हाँ तो मसौढ़ी में लगातार 2 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे आशा ममता और कुरियर संघ ने अपनी मांगों को लेकर पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रामानुज सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में इनकी प्रमुख मांग है आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि देना, बकाया राशि का भुगतान करना, प्रत्येक स्वास्थ्य सेवाओं में ममता कार्यकर्ताओं को उठने बैठने की व्यवस्था। वहीं पीएचसी प्रभारी ने कहा कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। यहाँ का जो मांग है, जो आपके स्तर से पूरा हुआ किया जा सकता है, उसका हम बता दे रहे हैं कि नियुक्ति पत्र जो है और आई कार्ड ममता को उपलब्ध कराया जाए। आशा को भी नहीं मिला है, और आशा को भी मतलब कि आई कार्ड जगह मिला है। नियुक्ति पत्र और आई कार्ड ममता का और आशा का उचित नहीं है सर, हड़ताल करना उचित नहीं है। पर हड़ताल करने के लिए हम लोग का मजबूर किया गया है। हम लोग का कोरोना काल में बिना ग्लव्स का, बिना कोई भी सैनिटाइजर का हम लोग 24 घंटा काम किए हैं रात दिन। मैं ममता धनवंती देवी बोल रही हूँ, और हमको कुछ नहीं मिला। उस सरकार ने जो वादा की थी कि जो काम करेगी उसको प्रोत्साहन राशि है, तो प्रोत्साहन राशि ठेका पर जो कर रही है उसको दुगना दिया जाएगा, लेकिन हम लोग का आज तक कुछ भी नहीं मिला। ऐसे में सर मेरा मनोबल कम रहा, इसीलिए हम लोग धरना पर बैठने में असमर्थ हो। क्या कुछ मांगा सरकार से? सरकार से हम लोग का मांग है कि हम लोग 24 घंटा काम करते हैं तो ठेका पर काम नहीं करवाए, 24 घंटा करते हैं तो नियमित हम लोग का सेवा लें। 2 दिवसीय धरना स्तर पर बैठे हैं, आज हम लोग का धरना लास्ट है।
हम लोग अखिल भारतीय स्किल वर्कर के आह्वान पर हमारी दुनिया की मजदूरों की अपनी अपनी मांगों के लेकर पूरे भारत वासी में धरना पर बैठे हुए हैं अपनी मांग के लेकर। इसलिए हम लोग आशा ममता कोरियर 2005 से बहाली किए गए हैं। हम लोग का कोई भी अभी तक सरकार ध्यान में नहीं रखे हैं। हम लोग की मांग है कि हम लोग आशाओं की सरकारी सेवा घोषित करें, और नहीं तो जब तक सरकारी सेवा घोषित नहीं करते हैं तो एक मजदूरा की दर्जा देते हुए हमारी 21,000 रुपया मानदेय देने का बिहार सरकार और भारत सरकार मिलकर निर्णय ले लिया था, वो अभी तक नहीं मिला है। और दूसरी बात है कि हम लोग का 2018 में 38 दिन का हड़ताल हम लोग बैठे थे, उसमें भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर दोनों का 3,000 रुपया देने का आह्वान किया था, और वो पैसा हम लोग का मात्र 3 महीना के मिलकर आज तक वो पैसा नहीं मिली है। वह पैसा मांगने के कारण हम लोग की कुछ माने कटौती किया जा रहा है, जो ऑनलाइन के नाम पर हम लोग की आधा पैसा कटौती करके दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी ऑनलाइन नहीं चाहिए, और हमारी मांग जो है जो इसे पहले काम करते थे वैसा ही काम करवा रहा है सरकार, दिया जाए। हम लोग से इलेक्शन में काम लिया गया, हम लोग से मुक्ति शराब में काम लिया गया, कोरोना काल में काम लिया गया, हम लोग का आज तक कोरोना काल का इस साल में भी पैसा नहीं मिला। नहीं तो इसमें जो इन लोग का जो हमारे लेवल का कुछ जो मैटर है तो उस मैटर को तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और जो ऊपर लेवल का है तो इन लोग तो हम लोग उसके लिए अपना ऊपर संपर्क करना। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।